मैं जरा सरकार की भूमिका क्या होती है इस सदन के माध्यम से देश को और विशेष करके देश के युवा मन को बताना चाहता हूं, देश की युवा शक्तियों को बताना चाहता हूं कि होता कैसे है और सरकार की भूमिका क्या होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल पहले 2014 में फरवरी महीने में जो इंटरिम बजट आया था, उस समय कौन लोग बैठे थे आपको तो मालूम ही है, देश को भी मालूम है। जो 10 साल पहले इंटरिम बजट आया था उसे पेश करते समय उस समय के वित्त मंत्री ने जो कहा था, मैं उसको कोट कर रहा हूं और एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है जी। जब आप लोग कहते हैं ना ये तो अपने आप तीसरे नंबर पर जा ही जाएगा, ऐसा कहते हैं, उनको जरा समझना चाहिए। ये उन्होंने क्या कहा था, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर, विजन फॉर द फ्यूचर। पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बोल रहे थे, आई नाउ विश टू लुक फॉरवर्ड एंड आउटलाइन ए विजन फॉर द फ्यूचर। आगे कहते हैं, आई वंडर हाउ मैनी हैव नोटेड द फैक्ट दैट इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ इट्स GDP इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यानी 2014 में 11 नंबर पहुंचने पर क्या गौरवगान होता था, आज 5 पर पहुंच गए और आपको क्या हो गया, क्या हो गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 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 मैं आगे पढ़ रहा हूं। गोगोई जी थैंक यू, आपने अच्छा कहा, मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए साथियों, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, बड़ा गौरव का बात था। There are great things in the store, आगे वो कह रहे हैं, there are great things in store। फिर आगे कहते हैं, there is a well argued view that in the next 3 decades, India's nominal GDP will take the country to the 3rd rank after the US and China। उस समय ये ब्रह्मांड के बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर 30 साल में हम पहुंच जाएंगे, 30 साल। और फिर कहा था ये मेरा विजन जो मैं, मनमोहन सिंह नहीं थे उस वक्त, मनमोहन सिंह नहीं थे, बहुत लोग हैं जो एक ख्यालों में रहते हैं, वो ब्रह्मांड के सबसे बड़ी अर्थशास्त्री है। ये लोग 2014 में कह रहे हैं और विजन क्या देखते हैं, 2044 यानी 2044 तक तीसरी अर्थव्यवस्था की बात। ये इनकी सोच, ये इनकी मर्यादा, सपना भी देखने का सामर्थ्य खो चुके थे लोग, संकल्प तो दूर की बात थी। 30 साल का इंतजार करने के लिए मेरे देश की युवा पीढ़ी को कहकर गए थे, लेकिन हम आज आपके सामने विश्वास से खड़े हैं, इस पवित्र सदन में खड़े हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि 30 साल हम नहीं लगने देंगे, ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाए। कैसे लक्ष्य रखते थे, उनकी सोच कहां तक जाती थी, दया आती है। और आप लोग 11 नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे, अब 5 नंबर पहुंचा दिए जी। लेकिन अगर 11 पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो 5 नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती है, होनी चाहिए। देश 5 नंबर पे पहुंचा, आपको खुशी होनी चाहिए। इस बीमारी में फंसे पड़े हो आदरणीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार की काम करने की स्पीड, हमारे लक्ष्य कितने बड़े होते हैं, हमारा हौसला कितना बड़ा होता है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, खास ये कहावत कही जाती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। और मुझे लगता है कि ये कहावत पूरी तरह कांग्रेस को परिभाषित कर देती है। ये कांग्रेस की सुस्त रफ्तार, कांग्रेस के सुस्त रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं। आज देश में आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस रफ्तार की कल्पना भी नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, शहरी गरीबों के लिए हमने 4 करोड़ घर बनाए। और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते, 5 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 वर्ष में 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अगर कांग्रेस की रफ्तार से देश चलता, इस काम को करने में 80 साल लग जाते, एक प्रकार से 4 पीढ़ियां गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 17 करोड़ अधिक गैस कनेक्शन दिए, ये मैं 10 साल का हिसाब दे रहा हूं। अगर कांग्रेस की चाल से चलते तो ये कनेक्शन देने में और 60 साल लग जाते, 3 पीढ़ियां धुएं में खाना पकाते पकाते गुजर जाती। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने सैनिटेशन कवरेज 40% से 100% तक पहुंची है।
अगर कांग्रेस की रफ्तार होती तो ये काम होते होते 60-70 साल और लगते और कम से कम 3 पीढ़ियां गुजर जाती, लेकिन गारंटी नहीं होता कि नहीं होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की जो मानसिकता है, जिसका देश को बहुत नुकसान हुआ है, कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कबूतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते ही उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है, हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यह ना समझिए, यह ना समझिए कि वह, यह ना समझिए कि वह कौमें, ये न समझिए कि वह कौमें कोई जादू से खुशहाल हो गई, वो मेहनत से हुई है और अक्ल से हुई है। ये उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भारत के लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंदिरा जी की सोच भी उससे ज्यादा अलग नहीं थी। इंदिरा जी ने जो लाल किले से 15 अगस्त को कहा था, लाल किले से 15 अगस्त को इंदिरा जी ने कहा था, दुर्भाग्यवश हमारी आदत ये है कि जब कोई शुभ काम पूरा होने को होता है तो हम आत्मतुष्टि की भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, और जब कोई कठिनाई आ जाती है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पूरे राष्ट्र ने ही पराजय भावना को अपना लिया है। आज कांग्रेस के लोगों को देख करके लगता है कि इंदिरा जी भले देश के लोगों का आकलन सही न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का एकदम सटीक आकलन उन्होंने किया। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे, उनके विषय में ऐसे ही थे। और आज भी वही सोच देखने को मिलती है। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे,